नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी राज्यसभा निर्वाचन में गलत जानकारी देने के आरोप लगाते हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ये याचिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने दायर की थी। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपनी परंपरागत गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी से चुनाव हार गए थे। इसके बाद उन्होंने कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली और साल 2020 में बीजेपी की सरकार बनवा दी। बदले में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। उनके राज्यसभा के लिए भरे गए नामांकन पत्र को चुनौती देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। 2020 में दर्ज इस याचिका में डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया था कि सिंधिया ने नामांकन के साथ जो शपथ पत्र दिया है उसमें उनके द्वारा जानकारी छिपाई गई है। सिंधिया के विरुद्ध भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में एक आपराधिक केस दर्ज है, जिसकी जानकारी उन्होंने शपथ पत्र में नहीं दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने डॉक्टर गोविंद सिंह की याचिका को निरस्त कर दिया। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोई एफआईआर दर्ज होना अपराध की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है और न ही इसे अपराध माना जा सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे सुनाते हुए याचिका को रद्द कर दिया गया। ये सिंधिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज़।